हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स जो आपसे छुपी हुई है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्यार भरे एक थैंक यू के साथ एंजल्स को कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आइए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। कंट्रोल, उसके बाद है प्रोजेक्शंस। ओके, अपने पार्टनर का ख्याल करिए अपने मन में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ स्टक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधी अधूरी है, फिनिश नहीं हुई है। देखिए, आपके पर्सन अभी इस समय मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान से लग रहे हैं। ऐसा क्यों, हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिसमें ऐसा हो सकता है जिनके रिश्ते में आपके पर्सन जो हैं थोड़े से गुस्से वाले हों। एंगर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी बार झड़प हो चुकी है। आप दोनों में काफ़ी बार चीज़ें जो है आउट ऑफ द ट्रैक जाके बिगड़ चुकी है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ अच्छे से। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर इरीटेट हो जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि आप कभी कभी उनसे बस पूछ ही रहे होते हैं कोई चीज़, लेकिन उस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और आपकी बहुत बार ऐसे झड़प, बहस और लड़ाई हो चुकी है। ये जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के हैं। जब इनका मन करता है ये आके बात करने लग जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आपका मन है या आप कोई सीरियस बात डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये इरिटेट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद लोगों में जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो स्ट्रांग होती है। बट क्या होता है कि सिचुएशन के सामने ना अलग अलग सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, अगर वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोग तो कोशिश करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। ये क्या करते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हों, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हों। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे वो बात बात को लेके बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी करते थे। मतलब कि हो सकता है वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि ये पहन के नहीं जाना। देखिए, प्यार से बोलना, किसी को सजेशन देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी पे पाबंदी लगाना, बहुत ज़्यादा जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बेसिकली आपके पार्टनर आपको हर चीज़ में कंट्रोल करना चाहते थे। हो सकता है कि वो आपका फ़ोन चेक करते हों, ये सारी चीज़ें आप पे नज़र रखते हों, लोगों को आपके पीछे लगाते हों कि इस पे नज़र रखना, आप किससे बात कर रहे हैं। रीडिंग जेंडरलेस है तो जैसे रेजोनेट करे वैसे ही लीजिएगा। किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलते हैं, किस पर्पस के लिए मिलते हैं, छोटी छोटी बातों पे शक करना। अगर वही चीज़ वो करे तो उनके लिए वो काम की चीज़ है, लेकिन वही चीज़ आप करें तो उनके लिए बातों का बतंगड़ बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता था। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बेसिकली आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ लव ये सारा कुछ खुशी खुशी करते थे, क्योंकि आपके लिए उनकी खुशी मायने रखती थी। आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि लस्ट था, लव तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बात बिगड़ी है और आप दोनों के अंदर वो ट्रस्ट या फिर भरोसा नहीं रहा जो पहले की तरह हुआ करता था। द क्रिएटर, आप दोनों चाहते, आप दोनों अगर सेम लेवल पे आके अपने रिश्ते को सुधारना चाहते तो सुधार सकते थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अलग होने के बावजूद ना आप दोनों को ऐसा लगता है कि हमारे कनेक्शन को अभी तक कोई क्लोजर नहीं मिला है। आपका कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, अलाइव है, मतलब ऐसा लगता है कि बातें बहुत ज़्यादा पेंडिंग सी रह गई है। कुछ भी जो कहते नहीं है फाइल क्लोज़ होना या दरवाज़ा क्लोज़ हो जाना, चैप्टर एंड हो जाना, ऐसा होता हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ भी कर लें आपके पार्टनर या आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे कनेक्टेड है, आज भी आपको याद दिला देती है। हो सकता है उनकी फ़ोटोज़ आपके पास हो या उनके दिए हुए गिफ्ट्स आपके पास हो जो उनकी याद आपको दिलाती रहती है, या किसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे उनके साथ गए थे,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दोनों आज भी कनेक्टेड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट. ठीक है, आपके पर्सन अभी ऐसी सिनेरियो में जी रहे हैं जहाँ पे वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं. तब उनको याद तो बहुत आती है, लेकिन ना ज़्यादातर मैं देख रही हूँ नेगेटिव चीज़ें जैसे लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारा जब वो याद करते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल जैम होता हुआ मुझे दिख रहा है. तो वो यही सोच के आपके पास नहीं आते जब उनको नेगेटिव चीज़ें याद आ जाती है. अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ जो उनकी सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम दोनों के पॉजिटिव बिताए हुए मोमेंट हैं, आपस में जो भी प्रोमिसज थे वो उनको याद करते हैं, तो आपके पर्सन तो कभी कभी रो भी देते हैं. उनकी आँखों से आंसू आते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्यार तो सच्चा था ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हालातों के सामने मजबूर होकर इंसान कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं है. मेजरली मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है उनकी फैमिली की तरफ से, ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. उनकी फैमिली जो है उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती, मतलब कि उनके डिसीजंस को हमेशा अपोज करती है. वो कोई भी डिसीजन लेते हैं वो उनसे उल्टी ही फैमिली डिसाइड करती है. क्योंकि देखिए अगर आप, मैं ध्यान से बताऊँ ना, उनके फैमिली वाले ही अपोजिशन में हैं, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है. क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ तो है यहाँ पे डिफरेंट, मतलब एज का हो सकता है या कोई फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इसीलिए ना उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो लोगों का ज़्यादा सोचते हैं कि समाज में वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इस वजह से आप दोनों एक होने से रुक गए बेसिकली. वरना आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे एक होने के, मतलब ऑलमोस्ट शादी तक आप में से बहुत सारे लोग आ गए थे और एंगेजमेंट भी काफ़ियों की टूटी है मुझे ऐसा लग रहा है. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. देखिए किसी भी काम को करने से पहले प्राइड जो होती है ना, ईगो, उसको मत आने दीजिएगा बीच में, क्योंकि आपका खेल जो है बिगड़ सकता है. हमेशा ग्राउंडेड रहिए, काम रहिए. लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, हमेशा अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए. बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड टू हमेशा स्टिक होके रहिए. ठीक है, कभी भी आपको अपने अंदर प्राइड या ईगो नहीं लेके आनी है, चाहे आप किसी के भी सामने हो, कोई भी इंसान हो, छोटा हो आपसे या फिर हो सकता है प्रोफेशन में, ओहदे में, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. आप कितने भी पावरफुल है, हमेशा 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 ग्राउंडेड रहना है. लक इज़ ऑन योर साइड. इस बार जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा आपके फेवर में वर्क करेंगी. तीर हमेशा निशाने पे लगेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जितना सफ़र कर लिया है, आपकी सफ़रिंग अब फाइनली ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है. एक रे ऑफ होप दिख रही है जिसमें आपका सारा कुछ, जो भी चीज़ आप करेंगे वो अच्छा होने वाला है. इनफैक्ट नए पार्टनर की एंट्री होती है मुझे यहाँ पे दिख रही है, और अगर नया नहीं आते तो फिर पुराने की अपोलोजाइजिंग आपकी तरफ आते हुए दिख रही है. अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट. आगे की ओर देखेंगे तो जस्टिस विल बी सर्व्ड. आपको जितने भी आंसर्स चाहिए थे वो आपको आंसर मिलेंगे, और धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ हुई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तब आपके पास आंसर नहीं था, बट इस बार आपके पास आंसर्स आने वाले हैं. क्या हो सकता है आगे? एक्सपेंशन. ठीक है, अपनी सोच को एक्सपेंड करिए. आप सोचते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो चीज़ आपके लिए वेट कर रही है. बस अपनी सोच को बदलिए. ओके, हमारे पास है सोलमेट का कार्ड आ गया है. सोलमेट का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होने वाली है, और कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे. तीसरा कार्ड हमारे पास आ गया, मिरेकल्स. देखिए मिरेकल उन्हीं के साथ होते हैं जो मिरेकल्स में बिलीव रखते हैं. जी हाँ, मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो उनमें बिलीव रखते हैं. तो इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि आगे क्या होने वाला है. बस भरोसा रखिए उस अननोन चीज़ पे जिसे आप मानते हैं, वो अननोन चीज़ जो आपको इस दुनिया में लेके आई, वो अननोन चीज़ जो हमेशा आपको ऊपर से देखती हैं और आपके लिए सब कुछ रास्ते बनाती हैं और आपको उन पे चलाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही हैं जहाँ आपको पहुँचना है. ठीक है, आप एग्जैक्टली वही हैं जहाँ से आप आगे की ओर जा सकते हैं. यू मेक मी फील अडोर्ड. आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ रह के उनको अडोरेबल फील होता है, क्योंकि आप उन्हें इतना स्पेशल फील कराते हैं. यू टेक केयर ऑफ मी, स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल. आपके पर्सन को याद आ रही है वो चीज़ें जब आप उनके साथ रहते थे, जब वो बीमार होते थे या फिर उनका ध्यान रखते थे, उनकी हालत पूछते थे, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई नहीं है. यू कैन रीड माई इनर मोस्ट
थॉट्स। उनके बोलने से पहले आप उनकी सारी बातें समझकर पहले ही बोल दिया करते थे, समझ जाया करते थे। ऐसा कनेक्शन, ऐसा डीप कनेक्शन उनका किसी के भी साथ नहीं हुआ है। ये चीज़ रियलाइज़ जब होती है तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ओके, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, ये चीज़ उनको याद आ रही है कि कैसे आप छोटी छोटी बातों को माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन लोग अब छोटी छोटी बातों का कैसे बतंगड़ बना दिया करते हैं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज, आपकी आँखों में गहराई हो जो है उसमें खो जाने का मन करता है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आप हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते थे, कभी भी आपने उनकी बेइज्जती नहीं की, स्पेशली पब्लिक में हमेशा उनका साथ दिया। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम, आप दोनों की मेमरीज जहाँ पे आप दोनों मूवीज़ देखने जाया करते थे, एक साथ घूमा करते थे, ये सारी चीज़ें याद करके वो बहुत ज़्यादा रोते हैं आज भी। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, ठीक है, ये सारी मेमोरीज़ को याद करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इस समय यही सोच रहे हैं कि कैसे आगे की ओर बढ़े, कॉन्टैक्ट करने की सोचते हैं लेकिन अपनी मजबूरी के कारण पीछे हटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। और किस सजेशन के लिए कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।